नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 500 साल से जिस दिन का सपना हर भारतवासी ने सोते जागते देखा है, वो सपना जो इस देश के हर राम भक्त ने देखा है, वो सपना 5 सदी के बाद 5 अगस्त को यानी कि कुछ घंटों बाद साकार होने जा रहा है। लेकिन कौन है वो चेहरे जिनके अथक संघर्ष की बदौलत आज हम सब अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर उनका एक विशाल भव्य मंदिर बनाने की तरफ बढ़ चले हैं। कुछ ही घंटों बाद हम सब राम मंदिर के निर्माण के लिए रखी जाने वाली आधारशिला के साक्षी बनने जा रहे हैं, एक इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। लेकिन उत्साह के इस पल में हमें याद रखना है कि इस सपने को साकार करने में राम मंदिर आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं की अहम भूमिका रही है। ऐसे नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता विजयराजे सिंधिया, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, प्रवीण तोगड़िया, विजय सिंगर और विष्णु हरि डालमिया के नाम प्रमुख रहे हैं। और इसी फेरिस्त में वो 3 महिला नेताओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने इस आंदोलन के साथ महिला ब्रिगेड को जोड़ने की दिशा में अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं 3 महिला नेताओं की अगुवाई में राम जन्मभूमि आंदोलन में देश की लाखों महिलाएं शामिल हुईं। अब जबकि कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं उस मुहूर्त के लिए जब श्री राम मंदिर भूमि पूजन होगा और 5 सदी का ये सपना साकार हो जाएगा, उस दिन, उस ऐतिहासिक दिन, उस अलौकिक दिन राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवा इन 3 महिलाओं के बारे में विस्तार से बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सही मायने में इस ऐतिहासिक दिन की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब राजमाता विजयराजे सिंधिया ने बीजेपी कार्य परिषद की बैठक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव रखा था। उसी दिन से बीजेपी से जुड़े हर कार्यकर्ता के साथ देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं ने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर मंदिर के निर्माण का संकल्प ले लिया था। उसके बाद जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचे पर कार सेवकों ने कुदाल चलाया था, उस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने के साथ ये साफ हो गया था कि उसके नीचे दरअसल एक मंदिर था। विवादित ढांचा गिराने के बाद वहां पर कार सेवकों ने एक नया और अस्थाई मंदिर बना दिया था। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना के नेताओं और हजारों आक्रोशित कार सेवकों पर केस भी दर्ज हुए थे और 6 दिसंबर 1992 को ही बाबरी ढांचे के ढहने के साथ ही इस ऐतिहासिक पल की नींव रख दी गई थी। ये बात खुद राम मंदिर आंदोलन की अगुवा रही उमा भारती ने कही थी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि उस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा अगर कार सेवकों ने ना गिराया होता तो एएसआई की टीम को महत्वपूर्ण सबूतों का कभी पता ही नहीं चल पाता। वो कभी ये पता नहीं लगा पाते कि इस ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष थे और यही सबूत और साक्ष्य 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा आधार बने। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का योगदान बेहद अहम रहा है, फिर वो पर्दे के आगे की बात हो या फिर पर्दे के पीछे की बात हो, हमेशा इनकी भूमिका चरम पर रही है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े इतिहास को जब पन्नों में समेटा जाएगा तो इस आंदोलन में महिला ब्रिगेड को प्रेरित करने वाली स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती और साध्वी रितंबरा का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये 3 ऐसी महिलाएं हैं राम मंदिर आंदोलन की जो वास्तव में साधारण महिलाएं नहीं थी, बल्कि इनकी राम के प्रति आस्था, मान्यता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के एहसास ने इन्हें लाखों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बना दिया। राजमाता विजयराजे सिंधिया जहां संयम की प्रतिमूर्ति थी, वहीं उमा भारती के साथ साध्वी रितंबरा हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता थी। इनके खिलाफ 6 नवंबर 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आपराधिक साजिश के आरोप भी तय हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन के दौरान साध्वी रितंबरा के दमदार जोशीले भाषणों से सभी बेहद प्रभावित हुए। उस वक्त बीजेपी की युवा नेता और सांसद उमा भारती की पहचान मंदिर आंदोलन के दौरान एक सशक्त महिला चेहरे के तौर पर उभरी थी। सबसे पहले बात करते हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया की, जिन्होंने ही सही मायने में बीजेपी के नेताओं के साथ साथ हर हिंदू को अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना दिखाया था। आज के दिन जब अयोध्या में उनका दिखाया गया ये सपना साकार होने जा रहा है तो उनके योगदान को याद करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। वही सबसे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद में
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव लेकर आई थी। कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया की माता और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी थी राजमाता विजयराजे सिंधिया। विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति आजीवन अडिग रहने वाली राजमाता विजयराजे सिंधिया ने जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से वो हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करती और फिर धीरे धीरे वो भारतीय जनसंघ की राजमाता से लोकमाता बनने की राह पर निकल पड़ी। दरअसल सिद्धांतों से बंधी उनकी राष्ट्रहित और राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा ने ही उन्हें राजमाता से लोकमाता बना दिया। उनका कुशाभाऊ ठाकरे से बहुत लगाव था, वो उन्हें पुत्र की तरह मानती थी। इसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ती चली गईं। भारतीय जनसंघ से बीजेपी तक उनकी यात्रा में उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने सिद्धांत और विचारधारा के प्रति जो उनका समर्पण था उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और उसके साथ उन्होंने कभी कोई समझौता भी नहीं किया। वो राम मंदिर आंदोलन में भी सबको प्रेरित करती थीं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ 1980 में रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली विजयराजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने का गौरव थी। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रही राजमाता विजयराजे सिंधिया ने ही सबसे पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यपरिषद में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव सबके सामने रखा था। उसके बाद से ही वो कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे से हमेशा बीजेपी के बड़े बड़े आंदोलनों का हिस्सा रहीं। वो हर कदम पर बीजेपी की नीतियों के साथ डटी रहीं। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी 1989 में जब रथ यात्रा लेकर निकले तो राजमाता सिंधिया ने उसे पूरा सहयोग दिया। जहां एक तरफ राजमाता सिंधिया सौम्य और शांत रहकर आंदोलन की राह पर चलने वाली नेता थी, वहीं दूसरी तरफ अपने तेज तरार भाषणों को लेकर चर्चा में आई फायर ब्रांड नेता उमा भारती और साध्वी रितंभरा युवाओं को प्रभावित करने वाली नेता थी। दोनों के जबरदस्त भाषणों ने उस वक्त के युवाओं को अंदर से अयोध्या में राम मंदिर के लिए कुछ भी करने पर विवश कर दिया। जब ये दोनों भाषण देती थी तो हर कोई बस सुनता ही रह जाता था। देश में 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद उमा भारती और साध्वी रितंभरा के गर्मागर्म भाषणों पर एक नई बहस भी छिड़ गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक बड़े तेज तर्रार, एक बड़े मजबूत महिला चेहरे के तौर पर उभरी थी। उमा भारती के उग्र भाषणों से राम मंदिर आंदोलन को ना सिर्फ एक पैनी धार मिली बल्कि उनकी बदौलत लाखों महिलाएं कार सेवा के लिए अयोध्या तक आ पहुंची। महिलाओं ने जब देखा कि एक साध्वी इस तरह से आंदोलन के पथ पर चल निकली है तो हजारों महिलाएं भी उसका अनुसरण करते हुए खुद को राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने से रोक नहीं पाई। उमा भारती कब भागवत कथा वाचक से राजनेता बन गई और राजनीति के पथ पर आगे बढ़ गई, शायद उन्हें भी इस बात का एहसास कभी ना हुआ हो। भागवत कथा वाचक उमा भारती ने पहली बार 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो हार गई थी। 1989 में खजुराहो से बीजेपी की सांसद चुनी गई। इसके बाद फिर कभी बीजेपी की इस फायर ब्रांड नेता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। खजुराहो से 1991, 1996 और 1998 में सांसद चुनी गई और 1999 में भोपाल से वो लोकसभा पहुंची। साफ है 1992 में बाबरी ढांचा गिराए जाने के दौरान जो भूमिका उमा भारती ने निभाई उसके चलते उनका राजनीतिक कद यकायक आसमान छूने लगा। हर किसी की जुबान पर उनका नाम आ गया था। उमा भारती केंद्रीय मंत्री बनी या मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, उसकी वजह केवल राम मंदिर आंदोलन ही रहा जिसने सन्यासी से उमा भारती को देश की सियासत का उज्ज्वल और चमकता चेहरा बना दिया। उन्होंने 90 के दशक में राम मंदिर के समर्थन में देश भर में घूम घूम कर सभाएं की, माहौल बनाया और जोश जगाने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण दिए। यही कारण रहा कि विश्व हिंदू परिषद की लगभग हर सभा में वो आमंत्रित होती थी और उनके भाषण युवाओं के सिर चढ़कर बोलते थे। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिराया गया तो वो अन्य बीजेपी और वीएचपी नेताओं के साथ मौके पर मौजूद थी। लिब्रान आयोग ने बाबरी विध्वंस में उनकी भूमिका दोषपूर्ण पाई। हालांकि उमा भारती ने भीड़ को उकसाने के आरोपों से साफ इनकार किया। यही कारण रहा कि इस मामले के केस नंबर 198 के जिन 13 अभियुक्तों में 8 के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई उनमें उमा भारती भी एक थी। लेकिन राम भक्त उमा के तेवर देखिए, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है
और वो ढांचा गिराए जाने की नैतिक जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है। बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद उमा भारती लगातार सांसद और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहीं, फिर उन्हीं के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को खत्म कर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। 2004 में अनुशासनहीनता के नाम पर उन्हें पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने नई पार्टी बना ली, लेकिन 7 जून 2011 को फिर से वो बीजेपी में आ गई। वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र में मंत्री भी रही, लेकिन 2019 में वो चुनाव से दूर रहीं। उमा भारती के अलावा राम मंदिर आंदोलन में साध्वी रितंबरा ने भी महिलाओं को इस आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा दी। उस दौरान साध्वी रितंबरा के भाषणों को ऑडियो टेप पर घर घर सुना जाता था। हालांकि साध्वी रितंबरा उमा भारती के मुकाबले बाबरी विध्वंस के बाद राजनीतिक रूप से लो प्रोफाइल ही रही। वो साध्वी जीवन ही व्यतीत करती रहीं। वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में अनाथ बच्चियों के लिए वात्सल्य आश्रम चलाती हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने ऐसी अलख जगाई कि दुनिया भर के हिंदू उनके मुरीद हो गए। वो साध्वी रितंबरा ही थी जिन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। साध्वी रितंबरा 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बनी और 6 दिसंबर 1992 के बाद विश्व हिंदू परिषद की श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की वो एक तेजस्वी चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने इस आंदोलन की कामयाबी के लिए सारे भारत में धर्म जागरण किया, हिंदुओं को एहसास करवाया उनके ईश देव श्री राम की महिमा का, और इस बात के लिए प्रेरित किया कि हिंदू होने के नाते हिंदुस्तान पर उनका पूरा हक है और अयोध्या में श्री राम मंदिर का बनना हिंदू समाज के लिए क्यों जरूरी है। साध्वी रितंबरा ने कहा था कि सरयू नदी का जल हाथ में लेकर उन्होंने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था और आज वो संकल्प साकार रूप लेने जा रहा है। अब जब अयोध्या में 5 सदी के बाद कुछ घंटे बाद इतिहास रचने जा रहा है, तो वो भी हर राम भक्त की तरह इस पल की गवाह बनकर खुद को धन्य समझ रही हैं। ये करोड़ों भारतवासियों के लिए गौरव का पल है। साध्वी रितंबरा को 2002 में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आश्रम के लिए 17 हेक्टेयर जमीन 99 साल के लिए आवंटित की थी। इसी जमीन पर बने उनके आश्रम वात्सल्य ग्राम ने कई अनाथ बच्चियों को आश्रय दिया है। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी यही आश्रम उठाता है। अब 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास होने जा रहा है, जो कि उमा भारती और साध्वी रितंबरा के लिए बेहद सुखद पल है। शायद राजमाता स्वर्गीय विजयराजे सिंधिया को भी इसी सुखद पल का इंतजार रहा। हालांकि 6 दिसंबर 1992 की इस घटना ने भारतीय राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया था कि कांग्रेस ने ना सिर्फ 1996 का चुनाव हारा बल्कि 8 साल तक केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। यूपी में तो उसका सफाया ही हो गया। इस मुद्दे के इर्द गिर्द ही सभी पार्टियों की राजनीति सिमट कर रह गई। बीजेपी यही कहती रही कि मंदिर वहीं बनाएंगे और कांग्रेस समेत सभी सेकुलर पार्टियां यही राग अलापती रहीं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और दिलचस्प तो यह है कि लिबरल और सेकुलर पार्टियों ने 6 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर याद किया, तो बीजेपी शिवसेना समेत तमाम हिंदू संगठनों ने इसे शौर्य दिवस का नाम देकर हर साल मनाया। लेकिन अब इस वक्त भी राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर यही लिबरल और सेकुलर पार्टियां इसके विरोध के बहाने तलाश रही हैं, जबकि इस देश का हिंदू इस ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन के उत्साह में डूबा हुआ है। जय श्री राम।